हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, मैच बिल द ऑर्डर। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ऑर्डर एक ऊद बिलाव को कहा जाता है। आपने ये शब्द सुना होगा ना हिंदी में, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव मतलब एक ऑर्डर। अब जो लेखक हैं वो एक ऑर्डर पालना चाहते हैं, और किस प्रकार से वो ऑर्डर को पालते हैं, कहाँ से उसको लेते हैं और क्या होता है, ये हम स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जो है वो कैसा दिखाई देता है, ये आपको मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, जो आपका जो पहला थंबनेल रहता है उसमें मैं इसको मेंशन जरूर करूंगा कि ऑर्डर किस प्रकार से दिखाई देता है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ऑर्डर कैसा होता है। अब लेखक जो है वो क्या करता है, वो एक बार उन्नीस सौ छप्पन में वो इराक जाता है। कहाँ जाता है? इराक, सदर्न इराक में वो जाता है, और वहां पर वो एक पेट पालना चाहता है। वो चाहता है कि एक जानवर को वो पाले। वो कहाँ जाता है? सदर्न इराक, और एक जानवर को पालना चाहता है, और इस बार वो कुत्ता नहीं पालना चाहता है। और जहाँ पर वो रुकता है उस जगह को कहा जाता है कैमिस फर्ना, और कैमिस फर्ना जो है वो एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अब लेखक उस जगह को काफ़ी एक उपयुक्त मानता है, किसके लिए? ऊद बिलाव को पालने के लिए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक ऊद बिलाव पालेगा। अब लेखक का एक पत्र आने वाला है, एक चिट्ठी आने वाली है, लेकिन वो चिट्ठी उसके पास टाइम पे नहीं पहुंचती है। लेखक का एक दोस्त है जो कि पास ही का एक शहर है, इराक का एक बहुत अच्छा बड़ा शहर है जिसका नाम है बसरा। वो बसरा में रहता है, और एक पत्र जो है लेखक का वो आने वाला है कंसलेट के अंदर, लेकिन वो पत्र किसी वजह से देरी से आता है। लेखक जो है वो काफी बार फोन करके तार के द्वारा भी इंग्लैंड बात करता है और बताता है कि मेरा पत्र नहीं पहुंचा है, लेकिन किसी कारण से, कुछ छुट्टियां थी और कुछ लाइन के अंदर कमी थी, जिस कारण से ये जो डाक थी उसकी समय पर नहीं पहुंची। अब लेखक का जो मित्र बसरा में रहता है वो उसे कहता है कि तुम एक ऑर्डर को पाल लो, एक ऊद बिलाव को पाल लो। और ये सुनकर लेखक कहता है कि ऊद बिलाव मुझे कहाँ से मिलेगा? तो उसका मित्र कहता है कि टिग्रिस नामक जो जगह है वहाँ पर दलदल है काफ़ी, उन दलदलों के अंदर काफी सारे ऊद बिलाव पाए जाते हैं और तुम उस ऊद बिलाव को पाल सकते हो। अब लेखक, काफी समय के बाद लेखक का पत्र आ जाता है, और लेखक जब पत्र लेकर अपने कमरे में जाता है उसको पढ़ने के लिए, तब वो पाता है कि 2 अरब लोग उसे एक मिलने आ रहे हैं और उनके हाथ में एक ऊद बिलाव है। अब लेखक उनको देखकर काफी चकित रहता है क्योंकि उनके पास एक ऊद बिलाव होता है, और जैसे कि लेखक खुद भी सोच रहा है कि वो एक ऊद बिलाव पाले। अब जब वो अरब लोग उसके पास आते हैं तो उसे वो लेखक को वो ऊद बिलाव दे देते हैं और कहते हैं हेयर इज योर ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर है। यानी कि ये ऑर्डर लेखक के मित्र के द्वारा भेजा गया है, उसके दोस्त के द्वारा भेजा गया है लेखक के लिए। अब लेखक उस ऊद बिलाव के साथ किस प्रकार से समय बिताता है, उसको कैसा फील होता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लेखक कहता है कि ऊद बिलाव उसके जीवन में आया है तब से उसका जीवन काफी बदल गया है। लेखक कहता है कि जो ऊद बिलाव है ये एक छोटे सांप की तरह है जिसके पंख होते हैं। कैसा है? ये एक पंखदार सांप की तरह है, जो कि आप सांप जानते हैं कैसा दिखता है, उसके भी अगर पंख निकल जाए तो ये उसी प्रकार का दिखाई देता है। और ऊद बिलाव की कमर पे बहुत मिट्टी है, और जैसे मिट्टी की परतों से एक ढाल बन चुकी हो, एक गाढ़ जैसा होता है ढाल जैसे, वैसा बन चुका है। और ये बीच बीच में काफी नरम है, गद्देदार है, काफी मखमली है ये ऑटर, और इसका रंग जो है वो चॉकलेट की तरह है, भूरे रंग का। और उसके शरीर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी और धूल है, और उस मिट्टी और धूल को निकालने में इसको महीनों लग जाएंगे। अब ये मिट्टी और धूल क्यों है? क्योंकि ये जो ऊद बिलाव है, ये जो ऑटर है, ये कहाँ से लाया गया है? ये दलदल में से लाया गया है। दलदल जो कि टिग्रिस के दलदल हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहां से लाया गया। इस कारण से उसकी बॉडी के ऊपर काफी मिट्टी है, जिसे उतारने में लेखक को कई दिन भी लग सकते हैं। अब ऊद बिलाव के साथ किस प्रकार से लेखक के दिन गुजरने लगे वो यहां पर हम देखते हैं। लेखक जो था उसने ऊद बिलाव का नाम रखा मिजबिल। अब उसका नाम मिजबिल रखा गया, और साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो साइंस में इसका जो नाम था वो रखा गया था जूलॉजिस्ट के द्वारा ल्यूट्रोगेल पर्सपिलाटा मैक्सवेली, ये नाम उसको दिया गया था, या फिर उसको शॉर्टली मैक्सवेल कहा जाता था।
तो ये ओटर का साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिकली जो कि हम जानते हैं, साइंस में हम पढ़ चुके हैं कि जानवरों के नाम होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहते हैं, तो ये नाम इतना बड़ा नाम इसका रखा गया था जिसको शॉर्टली हम मैक्सवेल कह सकते हैं। लेकिन लेखक जो थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा, मिजबिल रख दिया। अब मिजबिल जो था वो अकेला ही था घर के अंदर, क्योंकि लेखक और मिजबिल ये दोनों ही रहते थे। तो जो मिजबिल था, अब हम ओटर को मिजबिल कह के आगे बुलाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो मिजबिल ने पहले तो फर्श पे सोना शुरू किया, वो फर्श पे सोता था, लेकिन नेक्स्ट नाइट ही, अगली ही रात वो लेखक के बिस्तर पर आ गया और वह उसके घुटनों के बीच में सो गया। और दिन में वो चारों तरफ घूमता और आनंद लेता था, यानी कि मिजबिल को वहाँ बड़ा मज़ा आने लगा। लेखक भी उसके साथ काफ़ी एंजॉय करता था और लेखक ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, यानी कि उसको पहनाने के लिए एक बेल्ट बना दी। और फिर लेखक उसको बाथरूम में ले गया, जहाँ पर उसको जब बाथ टब में डाला गया, उसको पानी के नीचे रखा गया, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, वो पागल जैसा हो गया। यानी कि जैसे आप जानते हैं ओटर एक ऐसा जानवर है जो कि पानी में रहना पसंद करता है, तो उसको बहुत ही मज़ा आया उस पानी के अंदर आकर, यानी कि एंजॉयड, बहुत ही मज़ा आया उसे। अब उसने बाथ टब में क्या किया वो हम देखते हैं आगे। अब लेखक के साथ जो ऊदबिलाव था, यहाँ पर बाथटब में उसने नहाया, यानी कि ऊदबिलाव ने स्नान किया। उसके बाद 2 दिन के बाद की बात है, जब मिजबिल को ये पता लग गया कि इस बाथरूम के अंदर पानी है और पानी से तो वो बहुत प्यार करते हैं ऑटर जो है, तो मिजबिल चुपचाप से बेड से खिसका, बेडरूम से वो खिसक गया और सीधा जाकर बाथरूम में नल खोलने लगा। बाथटब में घुसकर उसने अपने हाथों से नल खुद ब खुद खोल लिया और इत्तेफाक से वो नलका सही डायरेक्शन में उसने घुमाया और वो नलके से पानी गिरने लगा, उसका टब भर गया और उसने मज़े से नहाया। लेकिन कुछ ओकेजन्स के ऊपर ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो बाथरूम में जाता तो नलके को वो खोलने की बजाय टाइट, जिस तरफ हम करते बंद करते हैं उस तरफ घुमा देता था, इससे वो और ज़्यादा टाइट हो जाता था और ऐसा करने पर वो गुस्सा हो जाता था, यानी कि नलके के ना खुलने से वो इरीटेट हो जाता था, वो डिसअपॉइंट हो जाता था, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता था, क्योंकि वो था तो जानवर, उसे ये नहीं पता था कि किस तरफ खुलेगा। ऐसे में जब उसको खुलता था, अगर वो खुल जाता था इत्तेफाक से तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता था। आगे क्या बताया गया है, अब मिस जो था, यानी कि मिस विल, वो अब लेखक का पीछा करने लगा था और उसका नाम भी पुकारता था, यानी कि जहां लेखक जाता था उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसका नाम भी बुलाने लगा। और कमरे के अंदर वो रबर की गेंद से घंटों खेलता था, घंटों उसे घुमाता रहता था, जैसे कि फुटबॉल खिलाड़ी रबर को बॉल को फेंकते हैं, उसी प्रकार से ये भी बॉल को फेंकने लगा। अब ऊदबिलाव जो था, जब वो अपनी कमर के बल लेट जाता है, तो इस प्रकार वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव, यानी कि खेल दिखा सकता है, उसका मूवमेंट और अच्छे से बढ़ जाता है और वो अपने पंजों में छोटी छोटी चीज़ें लेकर उनसे खेलता था। और उसका जो मेन गेम था, जो उसको सबसे पसंदीदा गेम था उसका, वो था गोलियों से खेलना, यानी कि मार्बल्स, आप जानते हैं ना कंचे जिसको हम बोलते हैं, गोलियां कंचे, तो कंचों से खेलना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपने पेट के बल, पीठ के बल लेट जाता था और गोलियों से खेलता था। अब बसरा में दिन काफी शांति से गुजर रहे थे लेखक के, लेखक यानी कि काफी अच्छे तरीके से वहां गुजर रहे थे उसके दिन। लेखक मिस को लेकर इंग्लैंड और फिर वहां से कैम्सफन जाना चाहता था, लेकिन वो डरता था कि वो मिस को कैसे अपने साथ इंग्लैंड ले जाएगा या फिर उससे आगे कैम्सफन लेकर जाएगा, तो इस बात का उसको काफी डर था। अब यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है, मिस को इंग्लैंड ले जाना चाहता था एंड उसके बाद वो उसको कैम्सफन ले जाना चाहता था। ब्रिटेन की जो एयरलाइन थी वो जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि वो इंग्लैंड जाना चाहता था, तो इंग्लैंड के लिए वो ब्रिटिश एयरलाइंस का जो प्लेन था वो नहीं ले सकता था, क्योंकि वहाँ पे जानवरों को ले जाना अलाउड नहीं था। इसलिए उसने एक और एयरलाइन जो थी उससे पेरिस जाना ठीक समझा, यानी कि लेखक जो थे पहले वो पेरिस गए और फिर दूसरी वहाँ से फ्लाइट लेकर वो लंदन की तरफ पहुँचे। मिज को एक बक्से में रख दिया गया, यानी कि एक बॉक्स लिया गया और मिज को उस बॉक्स के अंदर फिट कर दिया गया ताकि वो उसका हैबिचुअल हो जाए, यानी कि अब उन्होंने टिकट बुक किया, यानी कि अभी जाना तय था उनका लेकिन वो अभी गए नहीं थे, तो उन्होंने उस मिज को, उस मिजबिल को, यानी कि ऊदबिलाव को आदत डालने की, कि उसको बॉक्स में रहने की आदत हो जाए, इसके लिए उन्होंने उसको एक पिंजरे में, एक बॉक्स में रखना शुरू कर दिया। अब उड़ान का समय हो गया, यानी कि जैसे ही दिन नज़दीक आने लगे और
उड़ान का समय भी आ गया, भी आज जैसे कि प्लेन में उनको बैठना है और वहाँ से फ्लाइट लेकर वो पेरिस जाएंगे और पेरिस से फिर लंदन जाएंगे। लेखक अपने खाने के बाद वापस लौटा, उसने बॉक्स जो था उसको बड़ी शांति से पड़ा हुआ पाया, यानी कि बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, वो एकदम शांत पड़ा हुआ था। अब बॉक्स जो था उसके अंदर कुछ छिद्र थे, उस छिद्र यानी कि होल्स थे, उन होल्स के अंदर से जो खून की बूंदें बाहर आ रही थी, यानी कि वो जो बॉक्स था उसके अंदर होल्स किए गए थे ताकि वो हवा ले सके। आप जानते हैं एयर होल्स तो चाहिए ना, एयर होल्स नहीं होंगे तो वो तो जानवर मर जाएगा उसके अंदर। तो उन एयर होल्स के अंदर से खून बहता हुआ, बूंद बूंद टपकता हुआ लेखक को दिखाई दिया। अब उसने बक्से की जो अंदर की लाइनिंग होती है ना, बॉक्स को अंदर से लाइनिंग किया गया था ताकि वो सॉफ्ट जगह पर रह सके, उसने उसको फाड़ दिया था। अब उड़ने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और हवाई अड्डा जो था वो लगभग 5 मील दूर था। लेखक ने मिस को फटाफट बॉक्स से बाहर निकाला था, उसको ठीक किया थोड़ा बहुत बॉक्स को और फटाफट उसको वापस बॉक्स में डाला और हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़ा, यानी कि जल्द से जल्द वो अपनी कार में बैठकर वहां पहुंचने की कोशिश करने लगा। हवाई अड्डे जाने के लिए लेखक एक कार में बैठा, एक टैक्सी में बैठा, और कार में बैठ के उसने अपने बॉक्स को अपने पास रख लिया, अपने हाथों में पकड़ लिया। अब बसरा की गलियों में जो ड्राइवर था वो गाड़ी को बहुत तेजी से गोली की तरह चलाता हुआ हवाई अड्डे की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे वो समय पर पहुंच गए और हवाई जहाज जो था वो उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक जल्दी से एरोप्लेन के अंदर घुसा और अपनी सीट के पास जाकर उसने समाचार पत्र जो थे, जो न्यूज़पेपर्स रहते हैं, उससे उस बॉक्स को ढक दिया। ऊद बिलाव के खाने के लिए उसने एयर होस्टेस को मछलियों का एक पार्सल दिया था। अब उड़ान लंबी थी, उसके लिए जो लेखक थे वो तो रास्ते में खा सकते हैं एयरलाइंस में मिलने वाला फूड, लेकिन अब जो वॉटर जो है मिचबिल वो क्या खाएगा, वो मछलियाँ पसंद करता है, इसलिए उसने मछलियाँ जो थी उसको एक पार्सल उसने एयर होस्टेस को दे दिया। उसने उसे ऊद बिलाव की आखिरी घटना के बारे में बताया, उसने उसे मिच को अपने घुटनों में रखने का सुझाव दिया। अब वो जो लेखक थे उन्होंने कहा कि वो मिस को अपने पैरों के पास रखना पसंद करेंगे, यानी कि अपने पैरों के पास उसने उसको रख लिया। अब मिस जो था उसको बॉक्स में डालकर अपने पैरों के पास रख लिया लेखक ने, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसका जो बॉक्स था वो खुल गया और वो उससे बाहर निकल गया। जैसे ही वो उससे बाहर निकला तो प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक औरत चिल्लाई, अ रैट, एक चूहा, ऐसा कहा गया। और मिस जो था वो भागता हुआ एक इंडियन, एक टर्बनड इंडियन, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सरदार जी हो सकते हैं यहाँ पर, टर्बनड इंडियन यानी कि एक सरदार जी हो सकते हैं, उनके पैरों में जा वो छिप गया। और उसी दौरान उसके हाथ में जो कड़ी थी वो पूरी गिर गई और पूरे जो लेखक थे उनके चेहरे पे पूरे तरीके से वो फैल गई। ऐसे में एयर होस्टेस ने रिक्वेस्ट की लेखक से कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मिस को अभी पकड़कर आपके पास ले आऊँगी। और इसी दौरान जब लेखक अपनी सीट पर जाकर बैठ गए तो जो ऑटर था, मिस था, वो अपने आप उनके पास आ गया। तो इस घटना के बाद, ये जो फ्लाइट के अंदर ये घटना हुई, इसके बाद सब कुछ ठीक रहा और जो लेखक और मिजबिल था ये दोनों पहुंच गए लंदन। अब ये लंदन में ही रहने लगे और लेखक जो था उसे रस्सी से बांधकर बाहर घुमाने ले जाता था। लंदन की गलियों के अंदर सैर करते हुए मिस जो था उसके अंदर कुछ खास आदतें विकसित हो गई। वह बच्चों के साथ, जैसे वहाँ पर आने जाने वाले लोग थे उनको देखकर वो इतना इंस्पायर होता कि वो भी बच्चों की तरह खेलने लगता, दौड़ता गलियों में और अलग अलग चीज़ों को वो छूता हुआ दौड़ता फिरता रहता था उन गलियों के अंदर जब लेखक उसे सैर करवाने ले जाते थे। और वो लेखक को एक प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर, उसकी दीवार के पास ले जाता और वो कूद कर उसकी दीवार पर चढ़ जाता और फिर उस दीवार पर वो दौड़ता था। उसके दौड़ने से जो स्कूल का स्टाफ था और जो बच्चे थे वो सब उसका आनंद लेते और उन सबका ध्यान भी भटक जाता था, यानी कि स्कूल में तो पढ़ाई होती है भाई, तो ऐसे में बच्चों का ध्यान भटक जाता था, वो इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, वो इसका आनंद भी लेते थे, उनको इससे मज़ा भी आता था। अब लंदन के जो लोग थे वो इस ऊद बिलाव को देखकर इसकी नस्ल के बारे में अनुमान लगाते थे। कुछ लोग कहते थे कि ऊद बिलाव जो है वो मसलीन
मसलीन कहलाए जाने वाले जानवरों की जाति से बिलोंग करता है। मसलींस जो कि बैजस वगैरह होते हैं, मॉन्गूज रहते हैं, इन जानवरों की फैमिली से ये बिलोंग करता है। लेखक के पास कई प्रश्न आए, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे उनसे। लोगों ने अलग-अलग तरीके के प्रश्न पूछे लेखक से, यानी कि इस जानवर के रिलेटेड, जानवर के बारे में। तो कुछ प्रश्नों में लिखा जाता था कि क्या ये एक बेबी सील है या फिर एक ये स्क्विरल है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस उनके पास आने लगे, क्या एक बेबी सील है, एक स्क्विरल है या फिर एक वॉलरस है। तो या फिर कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा, क्या ये एक बेबी हिप्पो है। कुछ लोग इसको एक बीवर मानते थे, कुछ लोग इसको पूछते थे कि क्या ये एक बियर कब है, कुछ लोग लेपर्ड, और इस तरीके से अलग अलग तरह के नाम से वो इसको पुकारते थे। लेकिन मिस जो था वो इनमें से कोई भी नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऊदबिलाव ही था। लेकिन लेखक जो हैं उनके साथ सबसे मजाकिया बात तब हुई जब वो ऊदबिलाव को घुमाने ले जा रहे थे और एक मजदूर जो था वो एक गड्ढा खोद रहा था, एक गली के अंदर एक खुदाई का काम चल रहा था, वहां पर एक गड्ढा खोद रहा था। जब उसने दूर से मिजबिल को आते देखा, उसने अपने औजार, खुदाई करने वाले जो औजार रहते हैं, वो फेंक दिए, वो रख दिए, और उसने ऊदबिलाव को पास आते देखा। और जब वो पास आ गया तो उसको घूर घूर कर देखने लगा, और तब उसने लेखक से पूछा कि ये क्या हो सकता है, यानी कि इस जानवर के बारे में उस मजदूर को तो कोई भी अनुमान ही नहीं था कि व्हाट इज दिस। इसीलिए उसने पूछा, हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि ये जो प्राणी को लेकर तुम घूम रहे हो ये क्या हो सकता है। यानी कि अब तक कुछ लोगों ने तो उसे अलग अलग नामों से पुकारा ही था, जैसे कि हमने देखा कुछ लोगों ने उसे बेबी सील कहा, बैजर कहा, मोंगूज कहा, वीजल कहा, स्टोट कहा, मिंक कहा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम दिए। लेकिन इस मजदूर को तो ये भी नहीं अनुमान था कि ये किस तरह का प्राणी है, यानी कि वो तो उसको जानता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो लेखक था वो और ये जो एक ऑटर था, इसका जो जीवन था इनका, एक साथ किस प्रकार से बीता, किस प्रकार से बसरा की गलियों से, इराक की गलियों से ये जो ऑटर था ये एरोप्लेन से सफ़र करते हुए किस तरह से इंग्लैंड लंदन पहुंचा, और किस प्रकार से वहां के लोगों को भी इसने काफ़ी सोच में डाल दिया कि ये किस प्रकार का प्राणी है। तो ये था हमारा चैप्टर मिजबिल द ऑटर। होपफुली आपने इस चैप्टर को समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलिए मिलते हैं जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।